नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। आलोक तिवारी की देखिए पहली खबर। एसपी मित्तल के निर्देशन में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के अवसर पर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए आलोक तिवारी की। एसपी अंकित मित्तल के निर्देशन में स्वच्छता अभियान के तहत कार्यालय और थाना परिसर की साफ सफाई की गई। अंकित मित्तल के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा नारी आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को जागरूक कर 1090-112 समेत कई जरूरी हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया गया। अंकित शर्मा की देखिए अगली खबर। शाहजहांपुर में पंजाब से आए एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा 2 टीमें गठित कर घटना की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हम नक्सली खड़े हुए थे चक्की पर, तो आगे से जो है देखा एकदम आवाज आई ताड़ दे थी, तो वो लड़का जो था गाड़ी से सफेद शर्ट पहना हुआ था, हमने उसका चेहरा वेरा नहीं देखा कि बाइक हमें पीछे की पिछाड़ी देख पाए थे, बाइक शर्ट पहना था। उन्होंने तुरंत जो है ना इनको उतरा था, इनके कनपटी में रखकर गोली मारी, इनके कने लड़की की गोली में। ये थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला बाबू जई है जो बेरी चौकी के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक व्यक्ति जो है जिसकी उम्र करीब 28 साल है उसके गोली मारी गई। उसको तुरंत से काफ़ी उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था, वहाँ से बरेली को रेफर किया गया है। यहाँ पर जो हमारी 4 टीम है उसको डिफ्यूज किया गया है, उसके घर वालों से बात की जा रही है और इसके पीछे का जो कारण है उसकी जानकारी की जा रही है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ब्रिजेश पांडे की देखिए अगली खबर। कंपोजिट विद्यालय में आए दिन विद्यालय की प्रधानाध्यापिका गायब रहती है, जिससे एसडीआई बिंदेश्वरी प्रसाद भी परेशान है। यहां पर शिक्षा व्यवस्था बदहाल है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। योगी सरकार और बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की सरकारी विद्यालयों में योजनाएं तो ला रही है, लेकिन बच्चों के लिए विद्यालय में न खाने की व्यवस्था है और न ही पढ़ने की। सर, इसमें हम तो सहायक अध्यापक हैं, अपने पैसे से नमक मसाला भी नहीं था तो वो भी मंगवाए, कोशिश कर रहा हूँ जितना हम अपने स्तर से कर सकते हैं। अफसार अली की देखिए अगली खबर प्रतापगढ़ से। सांसद संगम लाल गुप्ता के द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा, इस मौके पर सांसद अनुज दिनेश गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्र समेत अन्य लोग रहे मौजूद। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बैराज से पानी छूटने पर रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। बढ़ते जलस्तर में कुछ नव युवक नदी में मौत का छलांग लगाते हुए दिखाई दिए। इससे पहले भी युवाओं के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिस पर पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए युवाओं को नदी में नहाने के लिए मना कर इस पर रोक लगाने की जनता से अपील की थी। प्रशासन से तो हम यही कहेंगे कि ये यहाँ पर एक तो व्यवस्था ये है, अभी हमने हमारी बात भी हुई है कि यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था करी जाए जो ये नहाने वाले बच्चे हैं इनको रोका जाए, और हम भी यहाँ पर अपील कर रहे हैं सहारा अमन कमेटी की तरफ से कि जो ये नहाने वाले बच्चे जो ऊपर से कूद रहे हैं, जिनसे पैराई नहीं आती है ऊपर से कूद जाते हैं, आए दिन हमारे परिवारों में ऐसा होता है कि हमारे बच्चों को तकलीफ होती, हमारे परिवारों को तकलीफ होती। अगर हम इस चीज़ से बचेंगे और अभी से अपने बच्चों को समझाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी परेशानी से हम बच रहेंगे। आजमगढ़ में एक बेटे ने अपनी मां को मामूली बात को लेकर लाठी से पीट कर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बेटे की मामूली बात को लेकर माता पिता से विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि बात मारपीट पर आ गई। इस दौरान आरोपी ने अपनी मां को लाठी डंडे से पीटा और लात घूंसे बरसाए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिता ने इस भयानक विवाद को देखकर भागकर अपनी जान बचाई। थोड़ा सा पानी आराम चला गया, इसी कारण मारपीट। कौन मारा? लड़का राजू राजकुमार। और बस लाली कौन? लाली लाली कोई नहीं, लाली कोई नहीं। तो क्यों मारे, कैसे मारे, क्या हो गया? वो लात जूता हाथ से डंडा से मारे। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर फिरोजाबाद से। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मॉल में चलाया गया चेकिंग अभियान। इस दौरान एसपी, सीओ, डॉग स्कॉट, एएस चेक के अलावा जीआरपी और आरपीएफ की टीम रही मौजूद। देखिए, स्वतंत्रता दिवस को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों के निर्देश प्राप्त हुए थे तथा अलर्ट भी जारी किया गया था कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या सार्वजनिक स्थल, मॉल, भीड़भाड़ वाले इलाकों, वहाँ पर चेकिंग कराई जाए, एएस चेकिंग कराई जाए। उसी क्रम में आज संयुक्त रूप से, जिसमें आरपीएफ, जीआरपी और जनपदीय पुलिस भी थी, हम लोगों ने रेलवे स्टेशन को चेक कराया है, बस स्टेशन चेक कराया है, साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों को भी चेक कराया, जहां की एएस चेकिंग भी हुई और डॉग स्क्वाड के माध्यम से भी चेकिंग की गई है, और यह चेकिंग हमारी आगे तक भी चलती रहेगी। फिलहाल हम लोगों को कोई आपत्तिजनक चीज़ें नहीं मिली हैं, फिर भी हम लोग ये सतर्कता पूरी बरत रहे हैं।
बढ़ते अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में NH-91 पर अज्ञात मैक्स गाड़ी ने कांवड़ियों को मारी टक्कर। टक्कर मारने के बाद गाड़ी मौके से ही फरार। पुलिस ने कांवड़ियों की हालत देखते हुए हॉस्पिटल में कराया भर्ती। कांवड़ियों की हालत गंभीर बनी हुई है। सर, हम इधर के साथ खाना खा रहे थे, हम हमारा एक बैच था, ये दूसरा वाला बैच था, ये कांवड़ लेके आ रहे थे और पीछे वाले मैक्स ने दिए। कहाँ से कांवड़ लेके आ रहे थे आप? हरिद्वार से ला रहे थे। लगभग कितने लोग थे कांवड़ में? लगभग 25-30 लोग थे। अभी कितने लोगों के चोट है? तीन लोगों को। ब्रिजेश राठौर के देखिए अगली खबर। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। बता दें, SOG पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अमन नाम के एक आरोपी को दबोचा है, जो एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार कर भागने की फिराक में था। इसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी और फायरिंग कर आरोपी को किया गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोपहर में सूचना मिली कि नगला सिंगी के बांस झरना क्षेत्र में एक 4 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, तो पुलिस जैसे ही पहुंची तो वहां पे जो दुष्कर्म का आरोपी है वो मौका देख के फरार हो गया। तो पुलिस की जो टीमें हैं, जिसमें नगला सिंगी पुलिस और थाना टुंडला की पुलिस सघन चेकिंग कर रही थी, तभी कुर्रा के जंगलों में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक संदिग्ध आदमी घूम रहा है। जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंची तो उसने पुलिस पर 2 राउंड फायर किया। जवाबी कार्रवाई में जो अभियुक्त है उसके पैर में गोली लगी। अभियुक्त का नाम अमन है, वो लाइन पार क्षेत्र थाना क्षेत्र का रहने वाला है और मौके पर एक अदद तमंचा और 2 खोखे कारतूस मिले हैं और अभियुक्त जिसको गोली लगी है उसको। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पर पोती पहुंची मथुरा। राष्ट्रीय चिंतन बैठक में रही मौजूद। इस दौरान प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछली कार्यकारिणी को पूरे तरीके से भंग कर दिया गया था, इसलिए अब नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें मथुरा से संदीप शर्मा को अखिल भारत हिंदू महासभा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आशा करती हूं कि प्रशासन हमको साथ देंगे। अगर प्रशासन मेजॉरिटी पॉपुलेशन का हित चाहता है और भारत का जो असली परिचय है वह सनातन सभ्यता, उसको अटूट रखना है, तो प्रशासन हम सभी को सहायता करना चाहिए। प्रशासन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे पुनः विश्वास के साथ एक बार पुनः जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका आशीर्वाद और स्नेह मुझ पर हमेशा बना रहा है और बना रहेगा। उसी कड़ी में हमारे संगठन के जब जिलाध्यक्ष नियुक्त किया तो उसके विस्तार के ऊपर अच्छी तरह विस्तार के ऊपर चर्चा हुई है। विस्तार अपने संगठन को किस तरह हम यहाँ मदद कर सकते हैं, किस तरह विस्तार कर सकते हैं, किस तरह मदद कर सकते हैं जमुना जी पे, गौ माता पे, जो जो आदेश हमें शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिया गया है उस आदेश को हम पूर्ण रूप से श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे। जैसे आपको तो आपके क्या पहलू रहेंगे, किस पहलुओं पर आप काम कर रहे हैं, आपकी क्या रणनीति? अब आप देश की स्थिति देख रहे हैं, मुंह वाला कांड चल रहा है। हिंदुत्व के लिए जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो प्रथम दृष्टया जो जमीनी स्तर की लड़ाई है उस लड़ाई को पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे। बुलंदशहर में SDM ने भारत निर्वाचन आयोग के काम में लापरवाही बरतने के मामले में 9 BLO के खिलाफ की कार्रवाई। SDM ने BLO के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए BSA को लिखा पत्र। इस कार्रवाई से BLO में मचा हड़कंप। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 21 जुलाई से 21 अगस्त तक डोर टू डोर मतदाताओं के सर्वे का कार्य चल रहा है। इसमें BLO की ड्यूटी लगाई गई है। कुछ BLO के द्वारा बार बार कहे जाने, निर्देशित करने के पश्चात भी कार्य में रुचि नहीं दी जा रही है या BLO के कार्य में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसे BLO जो कि बार बार निर्देश दिए जाने और बताए जाने के बाद भी BLO का कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है, जिसमें उनको विभाग को भी लिखा गया है और नियमावली के अंतर्गत उनके खिलाफ FIR दर्ज कराना भी शामिल है। बुलंदशहर में कंपनी के एक कलेक्शन एजेंट से दिन दहाड़े 9,50,000 रुपए की लूट हुई। बता दें, एजेंट बैंक में कैश जमा करने जा रहा था, इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने तमंचे के बल पर एजेंट से पैसे लूटकर फरार हुए। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक रेडियंट कलेक्शन एजेंसी के कर्मचारी वो बाइक से जा रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग आए और उनसे उनका बैग छीन कर ले गए। इससे संबंधित कुछ जानकारी अब तक हम लोगों को प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ CCTV फुटेज इत्यादि भी है, जिसके आधार पर पूरे जनपद भर में चेकिंग कराई जा रही है। इनसे तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और हमारी 5 टीमें इस घटना के अनावरण पे लगा दी गई है और जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर।
मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत पुलिस और सेना के जवानों द्वारा शहर में 4 किलोमीटर की तिरंगा मार्च यात्रा निकाली गई। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने जगह जगह तिरंगा यात्रा पर फूलों की वर्षा कर यात्रा में शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा में गंगा जमुनी की तहजीब की मिसाल भी देखने को मिली। इस दौरान SP ने असामाजिक तत्व के लोगों को चेतावनी दी। कुलदीप यादव की देखिए अगली खबर उन्नाव से। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर अभिलेख प्रदर्शनी का शुभारंभ विधायक पंकज गुप्ता और जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विभाजन में जान गंवाने वालों को मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और विभाजन की त्रासदी का दंश झेलने वाले परिवारों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया गया। बता दें कि ये दिवस 14 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के दौरान विस्थापना का दर्द झेलने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनएस टुडे के साथ।